आगरा बमरोली कटारा में जल भराव होने के कारण व्यापार हो रहा चौपट। व्यापारियों ने एडीए के अधिकारियों पर लगाए गबन करने के गंभीर आरोप। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह ने व्यापारियों के संग बैठकर बेमुद्दत धरने का ऐलान किया है और शासन प्रशासन से भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए देखते हैं आगरा से अनीस खान की इस रिपोर्ट को। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की गलती के कारण जो सड़क बनाई गई है मानक के हिसाब से नहीं बनाई गई है, इस कारण यहाँ दुकानदारों के यहाँ पर दुकानों में अंदर पानी घुस गया है। यहाँ पर तमाम फर्श दो दो फट नीचे चले गए हैं। इन समस्याओं को लेकर हम दुकानदारों के साथ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, पानी में बैठ गए हैं। जब तक पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ नहीं आ जाते, यहाँ का कोई कार्यकर्ता कोई दुकानदार अब हटने वाला नहीं है। हम अभी पानी में बैठे हैं, इस समोगर मार्ग पर बैठे हैं। हमसे मात्र 4 कदम की दूरी पर यहाँ पर स्टेट हाईवे है, फतेहाबाद रोड है। यदि ज़रूरत पड़ी, यदि कोई अधिकारी हमारे बीच में जल्द नहीं आया तो हम फतेहाबाद और आगरा रोड पर भी बैठने का काम करेंगे। मुख्य मांग है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ नालों को नज़रअंदाज किया गया, बड़े नाले थे उन नालों को नहीं निकाला गया है, इसलिए बैठे हैं। यहाँ पर तुरंत यहाँ पर सर्वेयर आएँ, विभाग के अधिकारी आएँ, यहाँ पर आश्वासन दे दें कि अब आपका नाला शुरू हो जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए तब हटेंगे, अन्यथा यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। मैं ग्राम विकास अधिकारी बमरौली कटारा। मैं यहाँ आया इनसे बात करने के लिए, तो इन लोगों ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुझे यहाँ बिठा लिया है। जब ये बताते हैं कि जब तक इनने ये कहा है कि ये ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है, पीडब्ल्यूडी से संबंधित मार्ग था जिसका रोड का निर्माण नहीं हुआ है। मेरी तैनाती तो अभी 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे हुई है, इससे पूर्व में ये बना हुआ कभी नाला है। समय समय पर जब भी ग्राम पंचायत के यहाँ के लोगों ने मार्केट के लोगों ने हमसे पानी निकासी के लिए कहा है, हमें खुद दिखाया है, तो हमने समय समय पर यहाँ ट्रैक्टर लगा के पानी निकलवाया है। लेकिन अभी ये लोग कहते हैं कि इसकी औपचारिक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चाहिए, निश्चितकालीन व्यवस्था चाहिए, जो कि बड़ा नाला कभी सुनने में आता है। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान और राजवीर भाई साहब जी बता रहे हैं कि यहाँ करीब 15 साल पहले कोई पीडब्ल्यूडी से नाले बने थे ऑन रोड, जो कि कचपुरा तक बने हुए कुंडल तक, लेकिन इस बमरौली कटारा में नवा मील तक नाला बना, इससे आगे कोई नाला नहीं। और इसका एक ही विकल्प है कि इसका नाला बड़ा नाला बनके या स्मार्ट सिटी के नाले से कनेक्ट कर दिया जाए, इसकी यही एक व्यवस्था है। क्योंकि तालाब भी यहाँ ओवरफ्लो की स्थिति में, क्योंकि ग्राम सभा की आबादी लगभग 50,000 पॉपुलेशन हो चुकी है। मेरा नाम जयकिशन कटारा है, मैं पूर्व प्रधान हूँ यहाँ का। यहाँ समस्या एक दिन की समस्या नहीं है, जब से बारिश हुई है जब से पानी भरा ही रहता है यहाँ पर, कोई पानी निकलने की कोई समस्या नहीं। मतलब समस्या इतनी बेकार, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जो रोड बनाया था उसका जो दोनों ओर नाले प्रस्ताव थे, लेकिन नालों का आज तक पता नहीं, नालों की जांच होनी चाहिए। उसके पूरे पैसे को खा गए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल को पढ़ने आते हैं जिन पर कोई व्यवस्था नहीं, बस से जाने के लिए न साइकिल से जाने के लिए, तो यहाँ गिर जाते हैं, उनकी किताबें बह जाती हैं, बस्ते बह जाते हैं इस पानी में। और सामने वाला रोड है वो करीब 2 फुट ऊँचा कर दिया है, पूरे उसका भी पानी इसी रोड को आता है। ये एक मुख्य मार्ग जो समोगर वाला मार्ग है, इससे कम से 50 गाँव ऐसे हैं प्रभावित हैं, मतलब कोई आ नहीं सकता है, लेडीज कोई पैदल जाती है, किसी पर भाड़े की समस्या। जब तक बैठे रहेंगे तब तक यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं आ जाएंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे जब तक यहाँ से हलेंगे नहीं। मेरा नाम चौधरी टीकम सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज आपको पानी में क्यों बैठना पड़ रहा है? आज यहाँ बैठना पड़ रहा है, ये जनता बहुत परेशान है, 50-60 गांवों का ऐसा यहाँ विकास है, व्यापारी लोग बहुत परेशान है, दुकानों में पानी उठ जाता है। हमारी कई अधिकारियों से बात हो चुकी है पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। पीडब्ल्यू अधिकारी यहाँ आवे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बढ़ावें। पीडब्ल्यू अधिकारी यहाँ आवे, जल्दी से जल्दी इस कार्य को करें। नाले की समस्या जरूर है, नाला बनना चाहिए। हाँ, जब तक यहाँ अधिकारी नहीं आ जाते लोक निर्माण विभाग के, एक भी दुकानदार और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ से नहीं हटेंगे। मैंने अभी सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि जल्द से जल्द यहाँ आए और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में इस धरना को सफल बनाएं।